अस्सलाम वालेकुम, की हाल है जी? उम्मीद है सारे दोस्त ठीक होंगे, सेहत भी ठीक होएगी। रिज़क दा ज़िम्मा जिहड़ा हैगा ना, अल्लाह पाक ने लिया होया वा। इंसान जिथे मर्जी भज लवे, जो रिज़क रोज़ी उहदे मुकद्दरां जाणा, वह लभ ही जाणी है। तो कुछ दुनिया के ऐसे बंदे भी होंदे जिन्हां ते इंसान एतबार कर लैंदा, एतबार करके ते उहदे धोखा दिंदे, फिर इंसान नूं सबक मिल जाता। मैं स्कूल तो तलीम छड़ी ते दुकान ते आया तकरीबन आज तो तकरीबन 4 या 4.5 साल पहला। जो दुकान ते आया ते मैनू एडी समझ तो है नहीं सी। जिहड़े बंदे ने मिलना मैनू, मैं कहना यार बड़ा जीदार बंदा, किसी बंदे ने भी दुकान ते आना कुछ समान समून लैन वास्ते, मैं कहना यार इदां दा बंदा ते हो ही नहीं सकता कितने भी। लेकिन इस तरह होया कि सानू ना दुकान ते वो डाक्टर जिहड़े फिरदे हुंदे आम ही को वंडा सेल वाले कंपनी वाले, वो आए दुकान ते कहिंदे यार साडा वंडा सेल करो। ते असीं क्या चलो कर लैंदे आ। लेकिन कुछ दिन गुजरे, उन्होंने साडे नाल गाहक अटैच करवाए, उन्होंने को जाके मिले असीं। तो वो इन्ने जीदार बंदे हो के मिले कि यार इस तरह के, मैं यार बंदे हो ही नहीं सकते, ये भी बंदे पैसे मारने वाले आ। जो डाक्टर से उन्होंने तो कमीशन चाहिए होंगे वा, वो कहते यार तुसी ना इन्हें दो, जिनी ज़्यादा सेल होएगी वो सानू तुहानू फीडबैक 10 रुपया ज़्यादा मिलेंगे। अगर 500+ तुसी बैग सेल करोगे ना महीने का, तो 10 रुपये फीडबैक जो है ना सिस्टम तुहानू ज़्यादा लगेगा, तुहानू ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो मैं क्या यार अगर 2000 तक बैग सेल हो जाए तो वाह 25-30 हज़ार रुपया महीने का वाद बन जाता, मैं बड़ा खुश। जिहड़े बंदे ने कोई जीदार हो के माड़ा मिलना, उन्होंने चका देना लै भी कोई नहीं पैसे मिलते रहने कर लाँगे। 5-6 महीने सिस्टम चलिया इस तरह का। जो 5-6 महीने लंघे तो जेडे फार्म वाले को पैसे मंगने जाके, उन्हें कहना दिने करते हैं, क्योंकि गर्मियों के आके तकरीबन जानवर दुध सुका जाता वा, घट जाता वा। जिहड़े बंदे नूं भी कहना यार पैसे कहिंदा दिंदे आ करदे आ, उह तकरीबन 4-5 साल हो गए, कई घर इस तरह दे आ उन्होंने हले तक पैसे नहीं दित्ते। वो इन्ने बंदे जीदार हो गए मिलते सी ना, मैं कहना यार ये भी बंदे पैसे मारने वाले आ, ये बंदे पैसे मार ही नहीं सकते जिवें दे मर्जी। अब्बे ने भी रोकना, चाचे ने भी रोकना, मैं कहना यार ये बंद कुछ होंगे बंदे भाई इस तरह मिले मिलाप जो करते उदो ठीक होंगे चंगे गल सुनाने वास्ते। लेकिन जो इन्होंने वो कारोबार करीदा ना, उदो पता लगता भी बंदे किन्ने जोगे हैगे आ, की करन जोगे आ, कि ताने चल लैणगे या नहीं चल लैणगे। वो तो मैं दस दवा कि बंदा जो नवा नवा आंदा ना मार्केट दे विच, चा चा ना 4 दिन कम करदा, ते उदो बंदे कोले पैसे भी हुंदे आ। लेकिन जो बंदे ना वाह पैंदा ना, उदो पता लगता भी कम किवें करीदे आ, किहड़े बंदे नूं सौदा देना। हुण हालात इस तरह के बने पए आ कि किसी उधार देईदा ही नहीं गा, भावें सारी दिहाड़ी दुकान ते वेले बह के आ जावो, जिहड़ा आईदा जवाब दे आईदा। किस को पैसे लैने हैं कहिंदे ना सौदा किसी नूं कोई चीज़ दे देनी तुसीं, वो हिक तुहाड़ी बहादुरी आ। जो तुसीं पैसे लैने वो हिकमत आ, एक बंदा बहादुरी दा वहा लैंदा, लेकिन हिकमत हर बंदा नहीं कर सकता। इसलिए बेहतर यह आ तुसीं कोई भी चीज़ किसी नूं देनी ना, पहली गल तां इह उधार दिओ ही ना किसी नूं। लेकिन अगर तुसी किसी नूं कोई चीज़ दे दित्ती आ ते फिर उन्हें आपदी मर्जी ने पैसे देने, फिर तुहानूं सबर करना पैना, किसी हिकमत ना हिकमत अमली ना ही पैसे लैने पैने आ। सो बंदा व्यापार करदा वा, लेकिन उधार देना भी जरूरी बन जाता, कई टाइम इस तरह के होंदे आ। तो लिहाजा ख्याल ना जिहड़ा काम ना कारोबार जिहड़ा ख्याल ना, कोई बंदा कोई चैक वगैरह लै लवे एडवांस पहला अगले बंदे को, ब्लैंक चैक जिहड़ा हुंदा वा। तो अगर कारोबार किसी ने करना हो इस तरह अगला डर डर के यार मेरा चैक हैगा वा, अगला डर के कोई पैसे बंदा देने की कोशिश करता यार दे दिए पैसे दे चैक वापस लीए आपका, कोई कल कोई नवी कानूनी कार्रवाई ने कर लवे। अज की गल इन्नी की, तो इंशाल्लाह गांह नवी एक वीडियो मिलांगे।